नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति के संबंध में। शासन द्वारा इसके आदेश निर्गत किए गए हैं। अभी जल्द ही शासन द्वारा अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के आदेश भी निर्गत किए गए थे और अब वर्तमान में अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति के अनुसार इसमें पारस्परिक भी होंगे आदेश निर्गत किए गए हैं। तो क्या है ये आदेश और इसी आदेश को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो सबसे पहले जो आदेश का पॉइंट है वो ये है कि जनपद में नियमित सेवा अवधि शिक्षिका के लिए 2 वर्ष, शिक्षक के लिए 5 वर्ष होना अनिवार्य होगा। सेवा अवधि की गणना कार्यरत जनपद के दिनांक से की जाएगी। इससे पहले जो अंतर जनपदीय के आदेश थे उनमें ये सेवा अवधि 1 वर्ष और 3 वर्ष थी, यानी कि शिक्षिका के लिए 1 वर्ष और शिक्षक के लिए यानी कि पुरुष शिक्षकों के लिए 3 वर्ष थी, जो अब बढ़ाकर 2 और 5 वर्ष कर दी गई है। दूसरा है, माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन की बाध्यता के क्रम में केवल शिक्षिका जिनके द्वारा शादी के पूर्व तथा केवल असाध्य एवं गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षक शिक्षिका स्वयं अथवा पति पत्नी या अविवाहित पुत्र या पुत्री जिनके द्वारा पूर्व में स्थानांतरण का लाभ लिया गया है दूसरी बार स्थानांतरण के लिए अर्ह होंगे। यानी कि ऐसी शिक्षिकाएं जिन्होंने शादी से पहले स्थानांतरण किया था या फिर असाध्य गंभीर रोग खुद हैं या फिर उनके बच्चे हैं, वो जो है इसमें दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। आगे है तीसरा पॉइंट, माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या 419/21 अजय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इसके अनुसार अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए 1 से अधिक बार आवेदन करने के लिए नहीं रोका जाएगा, परंतु केवल आवेदन स्थानांतरण का अधिकार नहीं माना जाएगा। यानी कि आप आवेदन कर सकते हैं पर ऐसा नहीं है कि आवेदन कर देंगे तो आपका स्थानांतरण हो ही जाएगा। वो भी आदेश, ये वाला जो पॉइंट है वो भी उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ही निकाला है। जनपद में स्वीकृत पद के सापेक्ष जो छात्र संख्या ली जाएगी वो ली जाएगी 30 अप्रैल 2023 की, यानी कि वर्तमान सत्र की ही, और उसके 10% सीमा जितने भी अध्यापक कार्यरत होंगे उसकी 10% की अधिकतम सीमा तक ही अंतर जनपदीय स्थानांतरण किए जाएंगे। किसी जनपद से स्थानांतरित होकर जाने तथा आने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका की अधिकतम सीमा 10% होगी। यानी कि जितने भी 30 अप्रैल 2023 की छात्र संख्या के अनुसार वहाँ पर स्वीकृत अध्यापकों के पद होंगे उसमें से केवल 10% के ही ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे। पाँचवा है, पारस्परिक म्यूचुअल स्थानांतरण में दोनों शिक्षकों की आपसी सहमति अनिवार्य है, वो तो हमें पता ही है। अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया समानांतर रूप से चलेगी, परंतु पारस्परिक और अंतर जनपदीय अगर दोनों में से लाभ लेना है तो उसमें से पारस्परिक वाले को अनुमन्य किया जाएगा। छठा पॉइंट है, अंतर जनपद स्थानांतरण ग्रामीण से ग्रामीण के स्कूलों में होंगे और नगर के स्कूल से नगर के स्कूल में होंगे, ये भी हमें पहले से ही ज्ञात है। सातवां पॉइंट है, अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षिका द्वारा अधिकतम 7 जनपदों का विकल्प दिया जा सकता है, यानी कि 7 हमें ऑप्शन देने हैं जो जो हम जनपद चाहते हैं, और कम से कम आपको 1 तो जनपद देना ही, अगर 1 भी नहीं देंगे तो आपका वो ऑनलाइन आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। आठवां है, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा अनुभाग 6 शासन आदेश संख्या, इसके अनुसार वर्णित रोग से शिक्षक शिक्षिका स्वयं अथवा पति पत्नी एवं विवाहित अविवाहित पुत्र पुत्री के ग्रसित होने पर ही लाभ दे होगा। यानी कि आपको इस शासन आदेश के अनुसार जो भी लाभ दे रहे जो भी रोग दे रखे हैं जो कि असाध्य रोग गंभीर रोगों में आते हैं वो या तो स्वयं को हो पति पत्नी को हो या फिर उनके अविवाहित पुत्र या पुत्री को हो तो ही उसको लाभ दिया जाएगा। नवा पॉइंट है, असाध्य एवं गंभीर रोग में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान संजय गांधी आयुर्वेदिक संस्थान लखनऊ SGPGI सैफई किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज एवं समान सरकारी घोषित चिकित्सा विश्वविद्यालय संस्थान और PGHS निजी चिकित्सालय जो राष्ट्रीय प्रत्यानन बोर्ड द्वारा मान्य होने से उपचार चल रहा हो अथवा उपचार कराया गया हो द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र जो चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित एवं कार्यरत जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रति हस्ताक्षर होने पर ही यह लाभ दे होगा। यानी कि आप जो असाध्य बीमारी का या गंभीर बीमारी का जो आप लाभ लेना चाहते हैं उसके लिए आपको जो हॉस्पिटल दिए गए हैं इन्हीं हॉस्पिटल से और वहाँ के चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा अधीक्षक से और फिर अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से उस पर हस्ताक्षर होंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। यानी कि काफ़ी कड़ी प्रक्रिया कर दी है। दसवां पॉइंट है, अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जी कूटरचित पाए जाने पर
संबंधित अध्यापक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। यानी कोई भी अगर गलत आप लगा देते हैं तो उसमें आपको विधिक कार्रवाई की जाएगी, ये आपको पता ही है। पॉइंट नंबर 11 है हमारा, ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन जनपद स्तर पर समिति द्वारा किया जाएगा। समिति के सदस्य सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे। असाध्य और गंभीर रोगियों के संबंध में जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि CMO के सत्यापन उपरांत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन को सत्यापित किया जाएगा। यानी कि असाध्य रोग, गंभीर रोग को इस बार सरकार ज़्यादा सख्त है, शासन सख्त है इस प्रक्रिया पर। 13वां पॉइंट है हमारा, अध्यापक अध्यापिका के अंक समान होने पर, अगर दोनों के अंक समान है तो नियुक्ति तिथि में वरिष्ठतम तथा नियुक्ति तिथि में समानता होने पर अधिक आयु वाले शिक्षक शिक्षिका को अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। और अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया में स्थानांतरित शिक्षक शिक्षिका को आवंटित जनपद में विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया है वो 20 अगस्त 2022 को जो शासन आदेश था उसके अनुसार ऑनलाइन की जाएगी। 15वां पॉइंट है, शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण की समस्त प्रक्रिया शासन आदेश के क्रम में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ से विचार विमर्श के उपरांत समय सारणी के अनुसार ऑनलाइन किया जाएगा, ऑफलाइन आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। 16वां पॉइंट है, अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण के लिए निर्गत शासन आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण के तकनीकी चरण प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा तथा शासन आदेश के क्रम में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। और अगला पॉइंट है इसका 17वां, अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु समय सारणी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अपने स्तर से पृथक से निर्गत की जाएगी। अब इसकी समय सारणी नहीं आई है, केवल जनपद के अंदर जो पारस्परिक स्थानांतरण है उनकी समय सारणी आ चुकी है। 18वां पॉइंट है, अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत शिक्षक शिक्षिका को कार्यमुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही मध्य शैक्षिक सत्र में नहीं की जाएगी। यानी कि अगर आप अभी अप्लाई करेंगे तो अभी आपको जो स्कूल ज्वाइन करना होगा वो करना होगा विंटर वैकेशन में, क्योंकि समर वैकेशन अब खत्म होने वाले हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय और पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में पूर्व में जो भी शासन आदेश हैं वो सब अवक्रमित यानी कि निल हो जाएंगे और अब ये जो शासन आदेश है यही सबसे ऊपर माना जाएगा। ये पूरा हमारा शासन आदेश है अंतर जनपदीय के बारे में। समय सारणी अभी निर्गत की जाएगी सचिव महोदय द्वारा, जैसे निर्गत होगी हम उससे भी आपको अवगत करा देंगे। अब जो भारांक हैं वो किस तरीके से हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि वही सबसे ज़रूरी है इसके लिए। सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आपको एक अंक मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 अंक मिल सकते हैं। अगर किसी की 16 साल की सेवा है तो भी 15 ही अंक मिलेंगे। दिव्यांग अध्यापक है, अध्यापिका है, स्वयं है, पति या पत्नी है, अविवाहित पुत्र या पुत्री है तो भी आपको 10 अंक मिल जाएंगे। असाध्य गंभीर रोग है, स्वयं है, पति है, पत्नी है या फिर अविवाहित पुत्र या पुत्री तो आपको 20 अंक मिलेंगे। शिक्षक शिक्षिका जिनके पति या पति सरकारी सेवा में है, भारत सरकार की, भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल या उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। एकल अभिभावक है तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। महिला अध्यापक हैं तो 10 अंक मिल जाएंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापिका हैं तो 5 अंक मिलेंगे और राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापिका हैं तो आपको ये 3 अंक नीचे मिल जाएंगे। यानी कि अंकों का जो है भारांक वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इसी के अनुसार भारांक के अनुसार मेरिट बनेगी और उसके अनुसार ही फिर आपके अंतर जनपदीय स्थानांतरण किए जाएंगे। तो ये पूरा विस्तृत शासन आदेश का जो हमने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए लाभकारी होगी। आप इस वीडियो को और भी अपने शिक्षक साथियों के पास शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।